मुलाजमीन बरतरफी के 16,000 मुलाजमीन अज खुद नोटिस के तहत बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसले से इख्तलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। मुलाजमीन अज खुद नोटिस के तहत बहाल कर रहे हैं। हुकूमत इंसानी पहलू से मुतलिक जो रिलीफ देना चाहे उसे इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ख्वाजा आसिफ के शौकत खानम अस्पताल पर इल्जाम के खिलाफ हजाने का केस। वज़ीर आज़म इमरान खान की ई कोर्ट के जरिए अदालती कार्रवाई में शिरकत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत इस्लामाबाद में केस की कार्रवाई हुई। ई कोर्ट से अदालती कार्रवाई चलाना एक खुशाइंद इकदाम है। ई कोर्ट कार्रवाई में कीमती वक्त और पैसे की बचत होती है। ई कोर्ट से कार्रवाई केसेस वक्त पर निपटाने में मुआवन होगी। वज़ीर आज़म तालीमी इदारों में 3 जनवरी से मौसम सरमा की छुट्टियों का फैसला। इतला शदीद सर्दी और धुंध वाले इलाकों में नहीं होगा। पंजाब में 10 से 12 रोज की तासीलात हो सकती हैं। बलोचिस्तान में 2 से 3 माह की तासीलात हो सकती हैं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद तासीलात से मुतल्लिक खुद फैसला करेंगे। मौसम सरमा की तासीलात के हवाले से NCOC का इजलास सदारत वफाकी वजीर असद उमर ने की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों और रहनुमाओं का इजलास। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफसीलात का जायजा। शहजाद अकबर की वज़ीर आज़म और शुरका को केस के कानूनी निकात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का मनी लॉन्ड्रिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। कहा, कौम का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ, एहतसाब से पीछे नहीं हट सकते, मेरे कोई लाखों के अखराजात नहीं। अपोजिशन लीडर ने मुल्की खजाना लूटा, इस पर ज्यादा बात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने वज़रा को जस्टिस रिटायर्ड वजूद्दीन के बयान पर रद्दअमल से रोक दिया। शहबाज शरीफ साहब की मनी लॉन्ड्रिंग केस, इसको नंबर 2 कहेंगे। पहला तो इनका नैब के अंदर केस दाखिल हुआ, नैब ने अपनी तहकीकात की, वो एक अलग मैटर था। उसके अंदर भी शहबाज शरीफ साहब मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब पाए गए। और इस केस के अंदर भी जो तफ्तीश मुकम्मल की गई है उसमें भी शहबाज शरीफ साहब ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब पाए गए, बल्कि वो FIA के चलान के मुताबिक इस ग्रोह के सरगुना भी हैं और मास्टरमाइंड भी हैं। और उन्होंने इनकी जो ये मास्टरमाइंड होने का है उसके पीछे इनकी माजी की मिसाल भी एक चलान के अंदर कोट की है। चलान के मुताबिक शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के मास्टरमाइंड हैं। अदालती हुक्म के मुताबिक चलान जमा करा दिया गया। चलान में हैरान कुन और गोरे तलब चीजें सामने आईं। दूसरों की दस्तावेजात इस्तेमाल करके वारदातें की गईं। मनी लॉन्ड्रिंग केस का एक मुलजिम सलमान शहबाज मुल्क से फरार है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को हल करने की सर तोड़ कोशिशें जारी रहीं। मुशीर एतजाज शहजाद अकबर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। और रसीदें मिल गईं। करप्शन केस में FIA चलान में होश रुबा इंकशाफात। किस तरह गुजरात की खूबसूरती के लिए ठेका दिया गया। 50 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर बेनामी अकाउंट में वसूल कर लिए गए। केस में शहबाज शरीफ के बचने के चांसेस 0 हैं। मोची, नाई, माली, क्लर्क और चौकीदार को अपनी लूटमार के लिए इस्तेमाल किया गया। मुआवने खसूसी शहबाज गिल का बयान। शुगर मिल्स के कैशियर असम के अकाउंट में 1,781 मिलियन वसूल हुए। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलान में इंकशाफात। शुगर मिल्स के 10 मुलाजमीन के अकाउंट में 7,404 मिलियन वसूल हुए। चपड़ासी मलिक मकसूद के अकाउंट में 3 साल के दौरान 771 मिलियन वसूल हुए। दस्तावेजात ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम हॉस्पिटल के ऊपर इल्जाम लगाए 2012 में, जिसमें कहा गया है कि जो चैरिटी का पैसा है वो मिसयूज जो है वो हुआ है। ये जो केस
केस है, इसकी बड़ी अहमियत है। मैं समझता हूं कि एक तरफ शौकत खानम जो है वो 70 अरब रुपया हर साल खर्च करता है चैरिटी के ऊपर, लोगों के, गरीब लोगों के इलाज के ऊपर, और उसको इस तरह के लोगों ने जब उसको मतनाज़ा करते हैं तो उससे एक जो ना सिर्फ ये कि वो इदारा बदनाम होता है, फिर पाकिस्तान में चैरिटी का काम कौन करेगा। शौकत खानम अस्पताल पर पैसे के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया। शौकत खानम अस्पताल 70 अरब हर साल इलाज पर खर्च करता है, इल्जाम लगे तो पाकिस्तान में फलाही काम कौन करेगा। बलदियाती इंतखाबात के उम्मीदवारों के लिए हाई पावर कमेटी तश्कील दी गई है। गैस पाकिस्तान में कम हो रही है, गैस वक्त पर दरामद की गई, दरामद शुदा गैस डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए नहीं दी जा सकती, दरामद शुदा गैस महंगे दामों मिलती है इसलिए इंडस्ट्री को दी जाती है। वफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। और एक तरफ हमारे साबिक वजीर आजम जो लाहौर में पले बढ़े, लेकिन उनका तौर तरीका ये कि जब हुकूमत में हों तो पाकिस्तान में हों, और जब अपोजिशन में हों तो वो लंदन से काम बात नहीं करते। इंटरनेशनल टूरिस्ट जो लंदन में बैठे हैं, अगर वो चाहें तो वो भी वो फ्लाइट लेके कम से कम सकर्दू की सैर ही कर लें, उनको भी सियाहत का शौक है, और उनको देख के अगर उनकी पार्टी सकर्दू में भी कोई अलामती सजा करने की कोशिश करेगी तो ये रिस्क लेने को भी हम तैयार है। ये है कि वो किसी तौर किसी बहाने पाकिस्तान का रुख करें और अपने वतन वापस आए। पीडीएम वाले अपना मार्च पहले करना चाहें तो हीटर लगवा सकते हैं। तर्जमान हुकूमत पंजाब हसन खावर के अपोजिशन पर बात, कहा ख्वाहिश है नवाज शरीफ वतन वापस आए, नून लीग की कारकर्दगी सिर्फ जलसों में ही नहीं ऑडियो बनाने में भी नाकिस है। नून लीग के बयानिए को मुसलसल शिकस्त का सामना है, सकर्दू में लोगों का जमे कफीर अपने काय को देखने के लिए आया। स्मोक से मुतालिक दायर दरखास्तों पर समाप्त, अदालत का 23 दिसंबर से 1 जनवरी के पहले हफ्ते तक स्कूल बंद करने का हुक्म, 23 दिसंबर से 4 जनवरी तक स्कूल बंद रखे जाएं, अदालत का हुक्म, केस की समाप्त आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। लाहौर में स्मॉग का राज बरकरार, टाउन हॉल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 147 रिकॉर्ड, फैसाबाद में 101 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड, रावलपिंडी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 99 तक पहुंच गया, रहीम यार खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 145 रिकॉर्ड किया गया, तमाम डेटा 24 घंटे की बुनियाद पर मुरतब किया गया। महकमा तहफ्फुज माहौलियात पंजाब OIC के 57 ममालिक के डेलीगेशन और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, और जो अफगानिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, जो इंसानी वहां पर मसाइल जन्म ले रहे हैं, और अफगानिस्तान जिस इमदाद और तवज्जो का मुस्तहिक है, उसमें OIC की ये कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह तारीखी किरदार अदा करेगी, और इसका सेहरा भी मौजूदा हुकूमत के सर जाता है। पहले भी हमने अफगानिस्तान पर कॉन्फ्रेंस की थी, 40 साल पहले भी अफगानिस्तान इशू था, और आज 40 साल बाद भी ये इनिशिएटिव इमरान खान की हुकूमत ने लिया है कि, और ये पार्लियामेंट में हो रही है, और इसलिए मेन रेड जोन में अगर लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ हो तो हम उसके माजरत खाएं। इस्लामाबाद में OIC कॉन्फ्रेंस के दौरान मोबाइल फोन सर्विस बंद नहीं कर रहे, हफ्ता और पीर को मुकामी छुट्टी होगी, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो तो पेशगी माजरत। अफगानिस्तान के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस तारी ही होगी। TTP के मसले में अहम APEX कमेटी के रुकन है वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। अफगानिस्तान की फिलफोर मदद ना की गई तो इंसानी बहरान मजीद बढ़ सकता है। अफगानिस्तान की मौसी तबाही के असरात पड़ोसी ममालिक पर पड़ेंगे। अफगानिस्तान में अमन खित्ते और दुनिया की मफाद में है, जरा सी गफलत पूरे खित्ते को मुतासिर कर सकती है। अफगानिस्तान OIC का बुनियादी मेंबर है, उन्हें तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। शाह महमूद कुरैशी का OIC वज़रा खारजा कौंसिल के इजलास पर बयान।
शेख रशीद की जेरस्तानत सेफ सिटी हेडक्वार्टर में हुकाम का अहम इजलास। डीजी रेंजर, चीफ कमिश्नर, आईजी, डीसी इस्लामाबाद शरीक, वजीर दाखला को ओआईसी इजलास की शुरुखा की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। गैर मुल्की मंदोबीन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं, वजीर दाखला की हुकाम को हिदायत। श्रीलंकन शहरी प्रियांका कुमारा कत्ल केस, मजीद 33 मुलजमान एटीसी अदालत में पेश। अदालत ने मुलजमान को 17 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रियांका कुमारा को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान को गवाह बनाने का फैसला। प्रोसिक्यूशन की खसूसी टीम ने तफ्तीशी अफसर को हदायत जारी कर दी। तमाम वीडियोज को बतौर शहादत अदालत में पेश किया जाएगा। तीन बार शरह सूद में इजाफा किया गया। शरह सूद में 2.75% इजाफा हुआ। शरह सूद में मजीद इजाफे के लिए वक्त पालेंगे। जारी खातों का खसारा और महंगाई बढ़ी तो शरह सूद में इजाफा करना होगा। मुआशी तरक्की की शरह 5% रहने का इम्कान है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का बयान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चेक रिपब्लिक के सफीर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान अवाम की इंसानी बुनियादों पर इमदाद फरामी, तामून के इकदाम पर बातचीत। पाकिस्तान यूरोपी यूनियन ममालिक से ताल्लुकात को खसूसी अहमियत देता है। मुश्तरका मुफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ चेक सफीर ने अफगान सूरत हाल, इलाकाई इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इंशाल्लाह 1 जनवरी से पूरे पंजाब के अंदर हेल्थ कार्ड्स जो हैं, 3 करोड़ फैमिलीज बनती है, उन 3 करोड़ फैमिलीज को कार्ड दे दिया जाएगा। हेड ऑफ द फैमिली को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो घर का सरबराह है, और कोई जरूरी नहीं है कि वो मर्द हो, वो खातून भी हो सकती है। वजह यह है कि अगर कोई बेवा खातून है जिसके घर बच्चे हैं और वो अपने बच्चों का ख्याल कर रही है, तो उसको भी उसी तरीके से घर की सरबराही का कार्ड मिलेगा। और ये कोई तकरीबन 3 करोड़ फैमिलीज हमें नादरा ने एस्टिमेटेड दी। वज़ीर आज़म ने सेहत कार्ड का ऐलान कर दिया। यकम जनवरी से पंजाब के 3 करोड़ खानदानों को सेहत कार्ड फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान में रुबेला और खसरा वैक्सीनेशन की बड़ी मुहिम चलाई गई। वैक्सीनेशन की मुहिम के बाद कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो गई। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना वायरस की चौथी लहर बरकरार। कोरोना से मजीद 14 अफराद जा बहर। कोरोना के बायस अमवात की मजमूई तादाद 28,863 हो गई। 24 घंटे के दौरान 370 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 0.66% रिकॉर्ड। कटास राज मंदिर में मजहबी रसूमात की अदायगी। 100 से ज्यादा हिंदू यात्री कल पाकिस्तान आएंगे। कटास राज मंदिर में मरकजी तकरीब 19 दिसंबर को होगी। वाहगा बॉर्डर पर मतरूका बोर्ड हुकाम और मकामी हिंदू रहनुमा मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। मतरूका इमलाक बोर्ड का सिक्योरिटी अमला मेहमानों के हमराह होगा। ओमिक्रॉन से बचने के लिए अमरीकी शहरी वैक्सीन और बूस्टर लगवाएं, अमरीकी सदर जो बाइडन की अपील। कहा ओमिक्रॉन से बचाव सिर्फ वैक्सीन लगाने से मुमकिन है। ओमिक्रॉन के अमरीका में तेजी से फैलने के इम्कान हैं, वैक्सीन लगवाएं महफूज रहें। कोरोना का क्रिकेट पर वार। वेस्ट इंडीज स्क्वाड के 9 अरकान में वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज मुलतवी कर दी गई। मैच अगले साल जून में रीशेड्यूल किए जाएंगे। दोनों ममालिक के क्रिकेट बोर्ड का मुश्तरका अलामिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रोज न्यूज। मैं हूं एहसान हमीद राजा। मैं हूं अनीला सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।